हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ऑसम। आज देखिए, मैं आपको 30x45 नॉर्थ फेस हाउस प्लान दिखाना चाहता हूँ विद प्लान के साथ एंड दिस कंप्लीट वॉक थ्रू। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेट्स लिसन। निसर्गा नेस्ट जो है एक डेवलपर्स है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख के अंदर विथ लैंड के साथ घर कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, एंड जिसका लोकेशन जो है कर्नाटका स्टेट बीदर सिटी। एंड जो भी बीदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए एक अच्छा सा और बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है। आपको निसर्गा नेस्ट वाले जो है सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख के अंदर घर कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। एंड बुकिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8880622222। और लेआउट का लोकेशन जो है सिचुएटेड एट चिकपेट रिंग रोड, जस्ट 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी बस स्टैंड। एंड दूसरा जो लेआउट है चोंडी, 3.5 किलोमीटर फ्रॉम नौबाद। अगर आप बीदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं एंड आपका खुद का सपनों का घर रहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार विजिट करते हो। और उनको ऑफिस का एड्रेस, निसर्गा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 11, KHB कॉम्प्लेक्स, नियर RTO ऑफिस, प्रताप नगर, बीदर। सो डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनली जाके मीट हो सकते हैं। एंड किस टाइप का फैसिलिटीज़ देते हैं उन्होंने लेआउट में, सो लेआउट देखिए, उसमें क्लीन ड्रेनेज फैसिलिटी रहेगा, वाटर फैसिलिटी एंड 24 घंटा बिजली का फैसिलिटी, इस तरह से फैसिलिटीज़ एंड पेमेंट डिटेल्स इस टाइप के। लाइक स्टार्टिंग में बुक करते ही आपको 2.5 लाख देना पड़ता है, एंड घर शुरू कंस्ट्रक्शन शुरू होते 3 लाख, रूफ छत पड़ते 4 लाख। तो इस तरह से करीब 1 साल के अंदर आपको घर कंस्ट्रक्ट करके देते हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर डेवलपर्स निसर्गा नेस्ट। सो आप आसपास से बिलोंग करते हैं, बीदर सिटी से बिलोंग करते हैं और अपना या फिर बीदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है। अपना खुद का मकान हो, किराए से बेहतर अपना खुद का मकान हो तो आप चाहते हैं इस तरह से आपका, तो आप जरूर एक बार कॉन्टेक्ट करना चाहिए। एंड ना मैं अभी प्लान कंटिन्यूशन करता हूँ, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, दिस इज द आउटसाइड एरिया ऑफ 30x50 हाउस प्लान। एंड तो पूरा बाहर का आउटलुक या फिर इंटीरियर वॉक थ्रू दिखाने से पहले मैं आपको इसका फर्स्ट प्लान दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। लेट्स फर्स्ट सी दी प्लान। अभी प्लान दिखाने के बाद ही आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द प्लान, उत्तर दिशा घर का प्लान है। एंड स्टार्टिंग में जो है एंटर होते हैं पार्किंग एरिया 14x50 फीट, और इसी के अंदर एक वेल एट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। एंड दूसरा जो है सेप्टिक टैंक जो है स्टेयर्स के बिलो, एंड उसके सामने थोड़ा एक लॉन के जैसा समझ लीजिए, थोड़ा सा गार्डनिंग उस टाइप में। एंड दोबारा हम एंटर होते हैं पार्किंग से, हॉल के अंदर एंटर होते हैं। हॉल जो है जिसका साइज 11 फीट 6 इंच x 21 फीट। फिर उसके बाद लोबी जो 7 फीट 6 इंच का है। फिर हमारे लेफ्ट में जो है डाइनिंग एरिया एंड किचन, सो बहुत दोनों मिला के कंबाइंड जो होता है 20 फीट 6 इंच x 9 फीट 9 इंच। एंड किचन में एक छोटा सा डोर है एट ऑफसेट जगह जो साउथ साइड है, वहाँ पे 2 फीट ऑफसेट है। एंड ईस्ट साइड ऑफसेट 2 फीट 6 इंच। हम वापस लोबी से एंटर होते हैं हम बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2, बट उससे पहले किचन से अंदर ही एक रूम है जिसका साइज 12x10 फीट 6 इंच। समझ आप उसे तीसरा बेडरूम या फिर एक स्टोरेज जैसा बना सकते हैं या फिर एक गेस्ट रूम उस तरह का, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं कुछ सामान वगैरह से इस तरह से। तो बेडरूम नंबर 1 जिसका साइज 12x10 फीट 9 इंच एंड विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ जिसका साइज 3 फीट 9 इंच x 7। एंड यहाँ पे और एक बेडरूम नंबर 2 10 फीट 6 इंच x 10 फीट 9 इंच। एंड यहाँ पे डोर है उसका जिसका साइज 4 फीट 6 इंच x 7 फीट का विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। ऑफसेट जो है एट वेस्ट साइड 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट। अभी वॉक थ्रू देख लीजिए।
जैसे हम एंटर हो गए हॉल के अंदर, जिसका साइज 11 फीट 6 इंच इंटू 21 फीट। एंड सामने एंटर होते लॉन के जैसा, जिसका साइज 9 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट। डाइनिंग एरिया एंड किचन दोनों कंबाइंड मिला के जिसका साइज 20 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 9 इंच। उसका अपोजिट एक बेडरूम, एंड जैसा मैंने बताया था बट एक रूम है जिसका साइज 12 इंटू 10 फीट 6 इंच वो रूम साइज। किचन के अंदर एक डोर और ऑफसेट एरिया जो है साउथ साइड 2 फीट का। So room size 12 into 10 feet 6 inch. So this is a 3 BHK portion. And वापस डाइनिंग एरिया से एंटर होते हैं फिर लॉन के अंदर। लॉन से जो है दो बेडरूम, एक राइट में और लेफ्ट में दो बेडरूम्स हैं। एंड सामने जितना भी आप ईट से देख सकते हैं ना, वहाँ पे जो है दो टॉयलेट रूम्स हैं, अटैच टॉयलेट एंड बाथ। यहाँ जो है बेडरूम नंबर 1 जिसका साइज 12 बाय 10 फीट 9 इंच। And this attached toilet room size 3 feet 9 inch into 7 feet. वापस लॉन से फिर एंटर होते हैं बेडरूम नंबर 2 के अंदर, जिसका साइज 10 feet 6 inch into 10 feet 9 inch.
with attached toilet and bath, house size is 4 feet into 7 feet. So friends, thank you so much for watching this video until end, and please do subscribe my channel, share this video with your friends. जो भी नया construction कर रहे हैं उनके साथ आप share कर दीजिए video, और काफ़ी helpful हो जाएगा. And बहुत धूप है यहाँ पे, बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे भी. Thank you.